हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं हमारे टाउन हॉल 3 के बेस पर। यस गाइस, ये वही बेस है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसी बेस के साथ हम करने वाले हैं टाइटन लीग की पुशिंग। आई नो टास्क काफी डिफिकल्ट है, मुझे 5 से 6 आवर्स तक कंटिन्यूअसली अटैकिंग करनी पड़ती है और हर अटैक पर मुझे 4 या 5 ट्रॉफीज ही मैक्सिमम मिल पाती है। बट आज इसी पुशिंग के दौरान मुझे एक ऐसा बेस मिला और उस पर इतनी ह्यूज अमाउंट में ट्रॉफीज मिली जो कि आज तक मुझे मेरे टाउन हॉल 9, 11 और बाकी बेस पे भी कभी नहीं मिली। मतलब कि ये काफी रेयर है इतनी ह्यूज अमाउंट में ट्रॉफीज मिलना। चलिए गाइस, आज मैं आपको वो बेस दिखाऊंगा जिस पर हमें इतनी सारी ट्रॉफीज मिली, साथ ही साथ वो आर्मी दिखाऊंगा जिसने हमें इस सब में हेल्प किया, साथ ही साथ हम कुछ अटैक्स करेंगे जिससे हमारी ये पुशिंग भी बरकरार रहे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ वाले बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको क्लैश ऑफ क्लैंस के रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो चलिए गाइस, बढ़ते हैं उस अटैक की तरफ जिसमें हमें एक ऐसी अवार्ड में ट्रॉफी मिली जो कि हमें आज तक कभी नहीं मिली। सो चलिए गाइस, यहां पर हम अपना अटैक देख लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमें मिली है 55 ट्रॉफीज जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल। मतलब कि आज तक मुझे कभी इतनी बड़ी अमाउंट में ट्रॉफीज नहीं मिली है। वो अलग बात है कि पिछला हमने जो अटैक किया वो हमारा अटैक फेल हो गया, मतलब कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था जिसके कारण हमारा ये अटैक फेल हो गया और हमें यहाँ पर -33 ट्रॉफीज मिली। बट गाइस, अगले अटैक में हमें यहाँ पर 55 ट्रॉफीज मिली जो कि मेरे लिए तो काफी रेयर थिंग है। बट मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको 55 ट्रॉफीज या 55 ट्रॉफी से ज्यादा ट्रॉफीज कभी मिली है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रिप्ले की तरफ। तो चलिए गाइस, ये वो बेस जिसमें हमें 55 ट्रॉफीज मिली। बेस था टाउन हॉल 3 का, इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट हमें सिर्फ और सिर्फ डर था वो था सीसी का। सीसी ल्यूर करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो गया था। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमने इसको 3 स्टार किया था। यहाँ पर हमने सबसे पहले जाइंट डिप्लॉय किया था ताकि सीसी ल्यूर हो जाए, बट अफसोस सीसी ल्यूर नहीं हो पाई थी। हमें था कि सीसी ल्यूर हो गई बट नहीं हो पाई थी। बट हमें एक चीज का एडवांटेज मिला कि सीसी में जो ट्रूप थे वो तो हॉग राइडर्स, जो कि हमारे बेबी ड्रैगन को दिक्कत नहीं दे पाए, और हमारे बाकी जितना ही हमारा बेस था वो सारा हमारा बेबी ड्रैगन ने क्लियर कर लिया था। चलिए इसको 4x स्पीड में यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर बाकी बेस मारे काफी इजी हो गया था। मतलब अगर सीसी में अगर फॉर एग्जांपल बेबी ड्रैगन होता तो हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती थी, बट सीसी में था हॉग राइडर जो कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और इसी के साथ हमें यहाँ पर इजीली 3 स्टार हो गया था। हमें सिर्फ एक अपना ट्रूप यूज करना पड़ा था जो कि जाइन, और हमने इसको इजीली 3 स्टार कर लिया था। तो चलिए यहाँ पर तो हमें 100% 3 स्टार मिल चुका था, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें 55 ट्रॉफीज मिल चुकी है जो कि हमें काफ़ी हेल्प मिली हमारी ट्रॉफी पुशिंग करने में। मतलब कि अभी हमें गोल्ड थ्री में अभी हमारी रैंकिंग चल रही है यहाँ पर 16 पे। तो अब हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हमें गोल्ड 3 को क्लियर करें और उसके बाद गोल्ड 2 पर आए। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कुछ अटैक्स की तरफ। तो चलिए गाइस, काफी देर क्लाउडिंग करने के बाद ये मिल चुका है यहाँ पर हमारा बेस। ट्रॉफीज यहाँ पर हमें सिर्फ 2 मिल रही हैं जो कि हमारे लिए काफी नॉर्मल ही है। मतलब कि हमें 2 से 3 ट्रॉफीज हमें यहाँ पर मिलती हैं। सो चलिए यहाँ पर पहले हम सीसी ल्यूर कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले सीसी में कोई ट्रूप तो नहीं है। सो चलिए यहाँ पर सीसी में तो कोई ट्रूप नहीं है, तो यहाँ पर पहले हम कोशिश करेंगे कि एयर डिफेंस को हम डाउन कर दें जो कि हम जाइंट्स की हेल्प से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने बाकी सारे जाइंट्स को यहाँ डिप्लॉय कर देते हैं। चलिए साइड बाय साइड यहाँ पर हम आर्चर्स डिप्लॉय कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पर क्लियरिंग में दिक्कत ना आए, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए ज्यादा ज्यादा हमें परसेंटेज मिल सके। तो चलिए यहाँ पर एयर डिफेंस तो डाउन हो चुका है, अब इस तरह से हम अपने बेबी ड्रैगन को डिप्लॉय कर देंगे ताकि जो बाकी के जो एयर टारगेटिंग यूनिट्स हैं वो सारे डाउन हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर जॉइंट्स ने एक और आर्चर टावर पे तो ऑलमोस्ट इसको सारा डैमेज दे दिया। तो चलिए यहाँ पर पहला आर्चर टावर डाउन हो चुका है, तो यहाँ पर अभी तक तो लग रहा है कि हम इसको 3 स्टार कर लेंगे। तो यहाँ पर बाकी हमारे जो आर्चर्स हैं उन सबको भी डिप्लॉय कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पर परसेंटेज में दिक्कत ना आए। सो अभी तक तो यहाँ पर हमारे पास अभी भी 3 से 4 जॉइंट्स अभी हमारे पास यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि अभी मोटर पे जोर दे रहे हैं। सो यहाँ पर बेबी ड्रैगन ने हमारा जो आर्चर टावर है वो भी डाउन कर दिया है। सो यहाँ पर बेबी ड्रैगन जो कि हमारे टाउन हॉल को ले रहा है, यहाँ पर हमें 1 स्टार आ चुका है 55%, यहाँ पर हमें 64% 2 स्टार आ चुका है। मतलब कि अभी हमें सिर्फ 1 ट्रॉफी मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर अब लग तो रहा है कि हम इसको ईजिली अब 3 स्टार कर लेंगे। आई नो कि ट्रॉफी जो कि हमें काफी कम मिली, सिर्फ 2 ट्रॉफीज मिली, वो भी काफी देर क्लाउडिंग करने के बाद। बट गाइस, इस टाउन हॉल पर रैकेट पुशिंग करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने 94% 2 स्टार तो कर लिया है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर अब सिर्फ एक बिल्डिंग रह गई है जो कि यहाँ पर इलेक्सर स्टोर है, जो कि हमारा बेबी ड्रैगन इसको इजिली क्लियर कर देगा। टाइम भी हमारे पास अभी काफी बचा हुआ है।
सो चलिए ये हो चुका है यहाँ पर हमारा 100% 3 स्टार। ट्रॉफीज हमें सिर्फ यहाँ पर 2 मिली थी, बट चलिए 2 ट्रॉफीज हमें काफी सपोर्ट करेगी हमारी इस पुशिंग में। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एक और अटैक की तरफ। सो चलिए गाइस ये मिल चुका है यहाँ पर हमें एक और बेस, यहाँ पर हमें 3 ट्रॉफीज मिल रही है। यहाँ पर हमें एक एडवांटेज है कि यहाँ पर जो हमारा एयर डिफेंस है वो यहाँ पर नहीं है हमारे पास, और एक आर्चर टावर भी यहाँ पर अपग्रेड पर लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम सीसी चेक कर रहे थे कि सीसी में कोई ट्रूप है कि नहीं, तो चलिए यहाँ पर सीसी में तो कोई ट्रूप है नहीं। चलिए यहाँ पर हमने बाकी ट्रूप्स ना वेस्ट करते हुए यहाँ पर हम बेबी ड्रैगन को डिप्लॉय कर देंगे, जिससे कि ये आर्चर टावर डाउन हो जाए। उसके बाद हमारे इस बेबी ड्रैगन को कोई भी ऐसा डिफेंस नहीं है जो कि हमारे बेबी ड्रैगन को टारगेट कर सके, तो हमारा जो बेबी ड्रैगन है इस पूरे बेस को ईजिली क्लियर कर लेगा। और यहाँ पर हमें इसी के साथ मिल जाएंगी 3 ट्रॉफीज। चलिए साइड में देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग तो नहीं है जो कि हमें यहाँ पर क्लियरिंग में दिक्कत दे सकती है, क्योंकि ऐसे अटैक्स में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है वो है परसेंटेज। जितनी हमें ज़्यादा परसेंटेज मिलेगी उतने हमारे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें ट्रॉफी ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ पर अभी तो हमारा 33% 1 स्टार आ चुका है। यहाँ पर हमें जो हमारा बेबी ड्रैगन है वो तो पूरे बेस को क्लियर कर देगा, आई नो। चलिए यहाँ पर हमें 2nd स्टार भी मिल चुका है, और इसी के साथ हमारा हो चुका है 61% 2 स्टार। चलिए इस बार का अटैक तो हमारा काफी इजी चला गया पिछली बार से भी। इस बार तो हमें अपना एक भी ट्रूप यूज नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें एक आर्चर यूज करनी पड़ी, वो भी सिर्फ सीसी को ल्यूर करने में। और यहाँ पर जितने भी हमारे डिफेंसेस थे वो सारे डाउन ही हुए पड़े थे, मतलब अगर हम बेबी ड्रैगन ना भी यूज करते फिर भी हम इसको इजीली 3 स्टार कर लेते। और यहाँ पर हमें 3 ट्रॉफीज भी मिल रही हैं जो कि हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, मतलब कि जब हम ऐसी पुशिंग कर रहे होते तो हमें 6 या 7 ट्रॉफीज मैक्सिमम मिलती है। मुझे नहीं पता कैसे हमें 55 ट्रॉफीज मिल गई थी। तो चलिए गाइस ये हो चुका हमारा 100% 3 स्टार। यहाँ पर हमें 3 ट्रॉफीज और मिल गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और बेस की तरफ और कोशिश करते हैं कि हमें इससे ज़्यादा और ट्रॉफीज मिल सके। तो चलिए गाइस ये मिल चुका है हमारा अगला बेस, यहाँ पर हमें 6 ट्रॉफीज मिल रही हैं। तो इसी बेस पर हम अटैक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले हम सीसी ल्यूर कर लेते हैं, पहले यहाँ पर एक जाइंट डिप्लॉय कर देते हैं। चलिए यहाँ पर सीसी में निकले हैं बैलून्स, तो यहाँ पर हम पहले एक आर्चर डिप्लॉय करते हैं जिससे कि हमारे जो बैलून्स हैं वो कॉर्नर की तरफ चल जाएंगे। उसके बाद हम ना बेबी ड्रैगन डिप्लॉय कर देंगे ताकि ये जो बैलून्स हैं वो सारे डाउन हो जाएं, मतलब जल्दी से ये बैलून जो है कॉर्नर की तरफ चले जाएं। सो चलिए यहाँ पर अब जो बैलून्स हैं वो काफ़ी हद तक कॉर्नर की तरफ आ चुके हैं। सो यहाँ पर हम अपना बेबी ड्रैगन डिप्लॉय कर देंगे जिससे कि जो बेबी ड्रैगन है ये बैलून्स को ख़त्म कर देगा। सो यहाँ पर अभी एक बैलून डाउन हो चुका है, जब हमारे यहाँ पर 3 बैलून्स डाउन हो जाएंगे उसके बाद हमने सारे जाइंट्स डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से हमने जाइंट्स को डिप्लॉय कर देते हैं सारे, यहाँ से अपने 2 वॉल ब्रेकर्स डाल देते हैं। तो चलिए वॉल्स अभी फूटी नहीं है, तो चलिए यहाँ पर वॉल भी फूट गई है। अब यहाँ पर पहले एक आर्चर टावर को हमारे जाइंट्स फोड़ेंगे, उसके बाद एयर डिफेंस की तरफ जाएंगे। पहले यहाँ पर साइड में बिल्डिंग देख लेते हैं, उन पर हम अपने आर्चर्स डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक आर्चर यहाँ डाल देते हैं, बस हमें चाहिए कि यहाँ पर जल्द से जल्द हमारा ये जो जाइंट्स हैं ये जो एयर डिफेंसेस को निकाल लें ताकि हमारा जो बेबी ड्रैगन है ख़त्म ना हो जाए। सो चलिए यहाँ पर जो हमारा हमारे जो जाइंट्स हैं उन्होंने ये एयर डिफेंसेस को डाउन कर दिया और हमारे बेबी ड्रैगन को कोई ख़तरा नहीं है। यस एयर माइन अगर कोई हो तो, जो कि हमारा एक एयर माइन निकल चुका है तो यहाँ पर हमें इतना डैमेज तो नहीं आया। तो अगर हमें एक और एयर माइन भी अगर ट्रिगर हो जाता तब भी हमारा बेबी ड्रैगन है वो डाउन नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब तक तो लग रहा है कि हम इसको इजीली 3 स्टार कर लेंगे। साइड में हमारे जितने हमारे पास आर्चर्स बच गए हैं उन सबको डिप्लॉय कर देते हैं, साइड में देख लेते हैं कोई बिल्डिंग रह तो नहीं गई। तो चलिए यहाँ पर अभी 79% 1 स्टार आ चुका है यहाँ पर। चलिए सेकंड जो एयर माइन था वो भी ट्रिगर हो चुका है और अभी भी हमारा जो बेबी ड्रैगन है वो अभी भी अलाइव है। सो अब हमारे बेबी ड्रैगन को कोई खतरा नहीं है, पहले सिर्फ एक एयर माइन का खतरा था। सो चलिए यहाँ पर 85% 1 स्टार हो चुका है, अब हमारा बेबी ड्रैगन टाउन हॉल की तरफ पहुँच चुका है। सो यहाँ पर हमारे बेबी ड्रैगन टाउन हॉल भी फोड़ दिया, 97% 2 स्टार आ चुका है। सो चलिए गाइस ये आ चुका है हमारा 100% 3 स्टार। इस बार हमें ट्रॉफीज पिछले 2 अटैक से ज़्यादा मिल गई हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे बेस की तरफ और देखते हैं कि कौन सी प्लेस पर अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लीग में। तो सो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं 9th पोजीशन, मतलब कि अब टॉप 10 में हम आ चुके हैं गोल्ड 3 के हम। तो चलिए आज के दिन यहाँ पर हम 48 पोजीशन अप आ चुके हैं। सो गाइस अब हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम अटैक करें और गोल्ड 2 पे पहुंच सकें और ऐसे ही हम 4 अटैक्स करें ताकि हम ये टाइटल लीग पर भी हम जल्द से जल्द पहुंच सकें। मुझे पता है गाइस टास्क काफी डिफिकल्ट होने वाला है, हमें 2 से 3 सीजन लग जाएंगे अपना टाइटल लीग अचीव करने में। बट गाइस अगर आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे अपने टाइटल लीग पे। सो गाइस जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर
अगर आपको इस पुशिंग की डेली अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पुशिंग की डेली प्रोग्रेस स्टोरीज या पोस्ट के थ्रू आप लोगों को बताता रहूंगा। एंड गाइस ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम। एंड गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको सिंपली क्लिक कर देना, आप सीधा मेरे पेज पर पहुंच जाएंगे और आप उसको फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको क्लैश ऑफ क्लैंस के रिलेटेड और इस पुशिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस यही थी आज की वीडियो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल को दबा देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।